सो प्रदीमन जी, अब जैसे अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर आने वाला है. सो लोगों के लिए बताते हैं कि नवंबर मंथ में जो बर्थ लेते हैं वो लोग कैसे होते हैं. नवंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ लोगों के लिए नवंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और कुछ लोगों के लिए रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को. तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो हुआ 11, एक और एक, मतलब एक एक नंबर एक्सेस कर दिया. क्या करते हैं, सूर्य को बढ़ा देता है, गुस्सा बढ़ा देगा, चिड़चिड़ापन बढ़ा देगा, और उन दोनों का टोटल क्या है, चंद्रमा. चंद्रमा मन सोचा सकते हो सूर्य अजायता, अंदर से इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, अपना काम छोड़ करके दूसरे के कामों में टांग अड़ाने की आदत या दूसरों की मदद करने की आदत इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा रहती है. जिस व्यक्ति का जन्म नवंबर में होता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में तीन विशेष बातें आती है. पहला, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय. कब ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनी होती है? ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है जब ऐसा व्यक्ति 29 इयर्स को क्रॉस कर जाता है. दूसरा, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव भी रहता है, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को पसंद करता है, किसी की रोक टोक जीवन में ज्यादा पसंद नहीं करता, कभी भी किसी को धोखा देने की टेंडेंसी ऐसा व्यक्ति नहीं रखता, सबको अपनाने की टेंडेंसी रखता है, डिसिप्लिन वाला होता है, हर चीज को टाइम पर करने वाला व्यक्ति होता है. लाइफ में सबसे ज्यादा फोकस अपने टाइम पीरियड को देता है कि मुझे इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकता हूं. अगर ऐसे व्यक्ति ये काम नहीं कर रहे, मतलब अपने लाइफ को टाइम नहीं दे रहे और ये सोचे कि हम कुछ और कर ले, गलत है. ऐसे व्यक्ति का मूलतः ही है कि आपका नवंबर में जन्म है.